हाँ जी, सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Of sole proprietor. चैप्टर का नाम समझना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर, पता आप लोगों को? यस सर। क्या होता है भाई? निश्चय, डू यू नो दैट? यस सर। सर जो एक सिंगल वीडियो ऑन रखे, सर एक बार रजिस्टर ले रहा था, वो रजिस्टर लेके नहीं बैठा। तो अब सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? ठीक है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। ये आपने अपने बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा हुआ है, अकाउंट्स के अंदर मैंने भी थोड़ा बहुत पहले बताया हुआ है। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होती है? जब हम व्यापार करना शुरू करते हैं, कोई भी इंसान व्यापार करना शुरू करता है तो वो खुद करता है, ठीक है। व्हेन देयर इज ओनली सिंगल ऑनर, सच काइंड ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। कौन सा बिजनेस कहते हैं उसको? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो यहाँ पे ऑनरशिप एक बंदे के हाथ में होती है, ठीक है। ओनली दैट पर्सन इज द ऑनर, उसी के पास कंट्रोल है, उसी के पास मैनेजमेंट है, प्रॉफिट्स और लॉसेस उसी के, रिस्क भी उसी के, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं तो हाँ HUF आता है, लेकिन अभी हम HUF को भी ले सकते हैं। देन पार्टनरशिप। वैसे बेसिकली मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं HUF की बात नहीं करने वाला, क्योंकि HUF और प्रोप्राइटरशिप की जो अकाउंटिंग होती है बोथ आर सिमिलर, ठीक है। HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके अंदर भी जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है? इन द हैंड्स ऑफ कर्ता, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो प्रोप्राइटर कौन हुआ? कर्ता ही हुआ, ठीक है। तो इनकी अकाउंटिंग बिल्कुल सेम होती है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्टनरशिप, ठीक है। ये पार्टनरशिप बिजनेस क्या होते हैं? जहां पे हमारे ऑनर्स जो है वो दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल और मैनेजमेंट अब बढ़ जाता है अलग अलग लोगों के हाथ में, ठीक है। और सबका राइट्स होता है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सभी पैसा लगाते हैं, ठीक है। थर्ड इज कंपनीज, ठीक है। मैं अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं, तो मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ। कंपनीज क्या होती है? वेन वी नीड फंड्स, जब हमें पैसा चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी इंसान का कंट्रोल ना रहे हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट के अंदर इंटरफेरेंस ना रहे, तो उस केस में हम अवॉइड करते हैं पार्टनरशिप बनाना। हम क्या बनाते हैं? कंपनीज बनाते हैं। कंपनीज इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर वी कलेक्ट फंड्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स, एनी पर्सन, बट दैट सच पर्सन विल नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। ऑनर बन जाते हैं, मालिकाना हक है उनके पास, ठीक है, लेकिन वो मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस नहीं चलती, ठीक है। डायरेक्ट इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता। इन दैट केस वी मेक कंपनी। जब हम करेंगे क्लास 12th के अंदर, हमारा कंपनी चैप्टर है, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेसिक यही मुद्दा है, ठीक है। अगर आपको कंट्रोल और मैनेजमेंट मालिकों के हाथ में देना है तो प्रोप्राइटरशिप के लिए जाओ या फिर पार्टनरशिप के लिए। प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंसान है ऑनर, और पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। लेकिन कंपनीज के अंदर क्या होता है? आप जितने मर्जी ऑनर्स बना लो, ठीक है, आप सबको शेयर दे दो। शेयर्स का मतलब क्या है? हिस्सा। सबको हिस्सा दे दो, लेकिन वो लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन उनका नहीं होता, मतलब अगर कोई डिसीजन लेना है तो ऐसा शेयर होल्डर उठ के ये नहीं कह सकता कि भाई मैं नहीं मानता, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनका डायरेक्ट कभी भी मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन नहीं होता। फोर्थ इज NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रस्ट होता है। इनका काम क्या होता है? समाज सेवा, और समाज सेवा करते करते कुछ बिजनेस भी करते हैं, ठीक है, जहां पे कुछ ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो हमें इन सबकी अकाउंटिंग सीखनी, ठीक है। बेसिकली देखा जाए, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो उसकी अकाउंटिंग भी सिमिलर टू NPO या फिर प्रोप्राइटरशिप के, ठीक है। फर्क आता है इन फोर टाइप्स ऑफ एंटिटीज में, ठीक है। ये चार तरह की एंटिटीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस है, ये अलग तरीके से बनाई जाती है। लेकिन अभी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। वर्ड स्टेटमेंट मींस एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कुछ इंफॉर्मेशन दे आपको, ठीक है। एनी रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट दो तरह की होती है, वर्बल और रिटन। तो यहां हम किसकी बात करें? रिटन। रिटन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किस चीज के लिए? ये हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की स्टेटमेंट्स हैं, और ये हमें क्या बताने वाली है?
ये स्टेटमेंट्स क्या स्टेट करने वाली है, दीज आर द स्टेटमेंट्स विच शोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। जनरली हम साल खत्म होने के बाद ही बनाते हैं, जैसे आपके रिजल्ट्स आते हैं बिजनेस क्लासेस के, ऐसे ही बिजनेस के रिजल्ट्स हम साल के एंड पे निकालते हैं। साल कब खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर का बुक खत्म होता है हमारा 31st मार्च, ठीक है, जो भी है, ठीक है। स्टार्ट कब होता है, 1st ऑफ अप्रैल। अब बात करने वाले हम ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, राइट। फाइनेंशियल पोजीशन इसको हम बोलते हैं हिंदी में आर्थिक स्थिति, हमारे बिजनेस के फाइनेंसेस, हमारे बिजनेस कितना स्टेबल है, ठीक है, हमारा बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इट इज स्टेटेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर वी हैव टू थिंग्स टू नो, पहली कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है या फिर उसको लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। कौन सी पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। एंड सेकंड, अगर हमारा बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है तो क्या वो फाइनेंशियली साउंड है। मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छी अर्निंग है मेरी, लेकिन मेरे ऊपर 50 लाख का लोन है एक्चुअल में जो है, ठीक है, तो 50 लाख का लोन है तो क्या मैं फाइनेंशियली साउंड हूं, ठीक है, पार्शली मैं अच्छा कमा रहा हूँ यहाँ पर तो, ठीक है, लेकिन मेरी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है तो मैं फाइनेंशियली साउंड होते हुए भी बहुत वीक हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि जिसकी जितनी लायबिलिटी उतना ही बिजनेस डूबने का रिस्क हो जाता है। बिकॉज अब कोरोना टाइम आया, सपोज प्रॉफिट रिड्यूस होने स्टार्ट हो गए तो अब क्या होगा, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पैसा रखा हुआ है हम उसी को बिजनेस में लगाते हैं क्योंकि मार्केट से तो पैसा नहीं आ रहा होता। अब एग्जिस्टिंग पैसे को बिजनेस में लगाना है तो हम अपना उधार चुकाएं या बिजनेस में लगाएं, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए हमें सेकंड पोजीशन चेक करनी होती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी पोजीशन। क्या सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन क्या इंडिकेट करती है, हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी कैपिटल हमारे पास है और हमने कितना पैसा लोगों का चुकाना है, उधार है, लायबिलिटीज, ओके, ठीक है। बेसिकली यहां पर हम चेक करते हैं एबिलिटी टू पे लाइबिलिटीज, आर वी कैपेबल ऑफ पेइंग आर लाइबिलिटीज ऑन टाइम और नॉट, ठीक है। ये कैसे इंडिकेट होगा, ये इक्वेशन तो आप सबको पता ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये क्या इंडिकेट करती है, मेरे पास लेट से 20 लाख की एसेट्स है और 12 लाख की लाइबिलिटीज है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा अपना पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है, 8 लाख लगा हुआ है, क्लियर है। तो ये सिचुएशन फिर भी बेटर है, ठीक है, कि भाई 20 लाख की एसेट्स अगर मैं लाइबिलिटीज पे भी करूंगा तो 12 लाख की लाइबिलिटीज मैं पे कर ही सकता हूं, बट स्टिल लाइबिलिटीज शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। जितनी कम लाइबिलिटीज रहेंगी उतना हम ज्यादा साउंड होंगे। आप खुद ही बताओ, आपका एक दोस्त है जो आपसे 500 रुपए मांगता है और उसने पहले ही किसी से 1000 रुपए लिए हुए हैं, तो आप उसको दोगे, वो चुका नहीं रहा, नहीं दोगे, ठीक है। तो हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमारी ये जो प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी है दोनों मेंटेन होनी चाहिए। बैंक्स, कस्टमर, सप्लायर सभी हमें तभी सपोर्ट करते हैं जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, क्लियर है बात, ठीक है। इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब हम समझने वाले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें क्या क्या चीजें बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखिए, फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमें तीन स्टेटमेंट्स बनानी होती है, ठीक है। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हमें बनानी, ठीक है, तीन स्टेटमेंट्स हमें बनानी है और बहुत सिंपल है। अगर आपने अच्छे से अकाउंटिंग कर रखी है तो इन तीन स्टेटमेंट में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट ही क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का, जर्नल। अगर आपको जर्नल आ गया तो लेजर पे पोस्टिंग करनी है, पोस्टिंग कर दी तो ट्रायल बैलेंस बनाना आसान है क्लोजिंग बैलेंस दिखा के, और क्लोजिंग बैलेंस अगर आपके पास है ही है तो क्लोजिंग बैलेंस को बस एक जगह लिखना स्टार्ट कर दो तो आपकी क्या बच जाती है, फाइनेंशियल स्टेट। बस आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें, कौन सी आइटम्स ट्रेडिंग में जाती है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में और कौन सी बैलेंस शीट में जाती है। इट इज वेरी सिंपल,
ठीक है। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और ये जो बैलेंस शीट है ये आपको बताती है सॉल्वेंसी, आपके बिजनेस में कितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, आपके अपने ओन रिसोर्सेज कितने हैं, मतलब कैपिटल कितनी है। ओके, तो अब ये तीन चीजें प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, दो अलग अलग अकाउंट्स बनाने की क्या जरूरत है, अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है, तो दोनों के अपने रेलिवेंस है। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, आपको फर्क पता है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में, मैन्युफैक्चरर चीज बना के बेचता है और ट्रेडर बनी बनाए, ठीक है, है। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं एक अकाउंट और बनाऊंगा जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्या, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, वो गुड्स बनाएगा, गुड्स बना के उसको बेचेगा, ट्रेडर क्या करता है बना बनाया खरीदता है और उसे आगे सेल ऑफ करता है। तो आपके इन नॉलेज के लिए आपकी बुक के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आई डोंट थिंक दिया हुआ है बनाने के लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होता है, जितने फैक्ट्री के खर्चे आते हैं वो दिखाने होते हैं, और उससे कितना माल बना वो दिखाना होता है, हमने कितने का बेचा ये दिखाना होता है, क्लियर है, चले आगे, ठीक है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो ट्रेडिंग अकाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है, चले आगे। अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट टुडे, ट्रेडिंग अकाउंट, तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो कब बनती है, साल के एंड पे जनरली, ठीक है, या तो साल के एंड पे बनती है या फिर बिजनेस क्लोज कर रहे हो तब बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जनरली साल के एंड पे बनाया जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, ये देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जिस साल का बना रहे हैं उस साल की क्लोजर डेट आती है। लेट्स से अगर हम 2021 का बना रहे हैं तो 2021 की क्लोजर डेट आ गई, ओके। तो अब यहां पर देखिए, लेफ्ट साइड कौन सी साइड होती है, डेबिट, और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है, ठीक है, छोटा सा ही बनता है। इसमें डेट कॉलम नहीं आता, कारण क्या है, क्योंकि साल के एंड पे बन रहा है, तो डेट क्या है, 31 मार्च। अब यहां पर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इस अकाउंट को यूज करके, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मींस इफ माय इनकम इज मोर देयर विल बी प्रॉफिट, इफ माय एक्सपेंसेस आर मोर देयर विल बी लॉस, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है, जो हमारी क्रेडिट साइड होती है, दिस इज द इनकम साइड, हमेशा हमारी क्रेडिट साइड कौन सी साइड, किसकी साइड होती है, इनकम, एंड डेबिट किसकी होती है, एक्सपेंसेस की। तो ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्रेडिट पे इनकम्स आने वाली है और डेबिट पे एक्सपेंसेस आने वाले हैं। अब कौन सी इनकम्स आएगी डिपेंड करता है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग भी बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीजें आती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी आती है, ठीक है। तो यहां पर आप नोट्स बनाएंगे, डेबिट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको आपने डेबिट करना है। कौन से खर्चे आने वाले हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन से, तो कोई भी पूछेगा ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं, तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं आता है। लेकिन एक और बात याद रहे, ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर में आपने वही खर्चे ले रहे जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जब आपने क्लास 11th का एग्जाम दिया तो उसमें क्लास 10th का रिजल्ट मिक्स होकर आता है, नहीं होकर आता ना, क्लास 11th में क्लास 11th का आता है, क्लास 12th में क्लास 12th का ही आता है, ठीक है। तो इसलिए जो जिस भी साल के हम अकाउंट्स बना रहे हैं उसमें उसी साल के खर्चे आने चाहिए, किसी और ईयर के खर्चे नहीं आने चाहिए, इज दैट क्लियर, चलो आगे। नेक्स्ट, क्रेडिट और डायरेक्ट इनकम्स ऑफ करंट ईयर ओनली, ठीक है।
तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि खर्चे और इनकम दोनों कौन से होने चाहिए, डायरेक्ट। कौन से होने चाहिए? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं, डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडर का मतलब क्या होता है, जो गुड्स खरीद कर बेचता है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि गुड्स हमें कितने के पड़ रहे हैं और वो कितने के बिक रहे हैं, क्लियर है। गुड्स हमें कितने के पड़ रहे हैं और कितने के बिक रहे हैं। गुड्स की कॉस्ट में जो भी खर्चे इंक्लूड करे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद रहे, ऐसा कोई भी खर्चा जो गुड्स की कॉस्ट में ऐड करा जाता है, दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा कोई भी खर्चा जो गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करा जाता वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। अब कौन से खर्चे गुड्स की कॉस्ट का पार्ट होते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहले यहां लिखेंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग गुड्स इन टू सेलेबल कंडीशन। ठीक है, इसको मार्क कर लेना, सेलेबल कंडीशन। ऐसा कोई भी खर्चा जो गुड्स को तैयार करता है, बिकने लायक बनाता है, वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कोई भी ऐसे खर्चे जो आप गुड्स के ऊपर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, गुड्स के ऊपर खर्चा क्यों करते हो, ताकि ताकि हम उसको मार्केट में बेच पाए। तो ऐसा कोई भी खर्चा अगर आप कर रहे हो जो गुड्स को रेडी कर देता है, ठीक है, बेचने के लिए खर्चा नहीं कर रहे, बेचने लायक बना रहे हैं, ठीक है, लिख लेना, बेचने लायक, बिकने लायक बनाना है हमें। अगर कुछ बिकने लायक ही नहीं है तो क्या वो ट्रेड करे जा सकते हैं? आंसर इज नो। इफ गुड्स आर नॉट रेडी टू बी सोल्ड तो वो बिक ही नहीं सकते। तो इसलिए ट्रेडर ट्रेडिंग काम में वही खर्चे आते हैं जो गुड्स को रेडी करते हैं, बिकने लायक बनाते हैं। उसके अलावा कोई भी खर्चा वो कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। एंड विच आर डायरेक्टली इनकर्ड इनकर्ड ऑन गुड्स, ठीक है, जो गुड्स पर ही खर्चा हो रहा है, ठीक है, गुड्स से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस है। अब इसके अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं उसकी मैं लिस्ट यहां बनाता हूं, ठीक है, ये रख कर दूं मैं, नेक्स्ट डिस्कस द लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले परचेज ऑफ गुड्स, आप गुड्स को खरीद रहे हैं, उसके बाद आप उसको लेकर आ रहे हैं तो उसकी कैरेज, कैरेज कौन सी, इनवर्ड, गुड्स को लाने के लिए। उसके बाद कोई भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे कर रहे हैं, टैक्सेस फॉर ब्रिंगिंग गुड्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे कर रहे हैं, क्लियरिंग चार्जेस पे कर रहे हैं। जब हम गुड्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट लेकर आते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेकर आते हैं, तो हमें पोर्ट पे ड्यूटीज देनी होती है, क्लियरिंग चार्जेस पे करने होते हैं, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन का मतलब क्या है, अगर हम कोई गुड्स बेच रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है, तो हम जिसकी भी परमिशन है, वो गुड्स जो भी टेक्निक जिसकी यूज कर रहे हैं या रिसोर्सेज जिसकी यूज कर रहे हैं, आइडियाज जिसका यूज करें, तो कई बार हमें उसे भी पैसा देना पड़ता है कि भाई हम तेरी परमिशन से ये काम कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव ऑल द राइट्स। फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, अब एप्पल का फोन मैं बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो किसकी परमिशन से बनाऊंगा, कंपनी की परमिशन से, है ना, तो मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, जब भी कोई सेल होगी तो मुझे उस पर रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। ये बुक्स बना रहा है, बुक्स पब्लिश कौन कर रहे हैं, ये जो सुल्तान चंद या जो भी है, हाँ सुल्तान चंद वाले, लेकिन बुक है किसकी, टीएस ग्रेवाल या जीएस ग्रेवाल की, तो उनको रॉयल्टी जाती है, भाई हम आपकी बुक पब्लिश कर रहे हैं तो जितनी सेल होगी आपको रॉयल्टी देगी, उसके बिना भी बेच नहीं सकते। These are not, these will not be saleable. Factory के कोई भी खर्चे, factory expenses, अच्छा packing का खर्चा, लेकिन याद रहे packing gift packing नहीं होनी चाहिए, ये वही packing होनी चाहिए जो necessary है। आप जो wages दे रहे हो laborers को, ठीक है, उनको हम बोलते हैं productive wages, ठीक है, productive wages का मतलब क्या होता है, जो production से related activities है उनकी wages आप pay कर रहे हो, ठीक है। फैक्ट्री के कोई भी खर्चे होते हैं तो वो ऑलरेडी डायरेक्ट में ही आते हैं, क्योंकि फैक्ट्री का हर खर्चा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज या प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड है, ठीक है, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे जो रह जाएंगे, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, नोट डाउन करो।
लेट्स डिस्कस व्हाट इज डायरेक्ट इनकम. अभी डायरेक्ट इनकम क्या होती है? देखिए डायरेक्ट इनकम हर बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करती है. मेरे लिए डायरेक्ट इनकम क्या है? जो मेरा मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है, विच इज द बेसिक नेचर ऑफ माय बिजनेस, और उससे जो मुझे इनकम मिल रही है, जो मेरा मेन पर्पस था बिजनेस स्टार्ट करने का. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कोचिंग सेंटर, तो माई डायरेक्ट इनकम इज ट्यूशन ट्यूशन इनकम. ठीक है, ठीक है. अगर मैं कंप्यूटर बेचता हूँ तो मेरी डायरेक्ट इनकम क्या होंगी? सेल करना कंप्यूटर एक्सेसरीज वगैरह को, ये मेरी डायरेक्ट इनकम है. तो बेसिकली हमारा जो बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस है उससे जो इनकम जनरेट हो रही है वो क्या होती है? डायरेक्ट इनकम्स होती है. और इसको हम कैसे लेंगे? इनकम्स, इनकम और रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द कोर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस. कोर, कोर मतलब मेन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, मेन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस. अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को उधार पे पैसा देता हूँ, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी इनकम है, लेकिन वो मेरा कोर ऑपरेशन नहीं है. ठीक है, मैंने किसी को कोई कमीशन ले ली, किसी का कोई फ्लैट बिकवाया, लेकिन वो मेरा कोर ऑपरेशन नहीं है, वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम है. वो इनकम है लेकिन इनडायरेक्ट है. ट्यूशन से रिलेटेड डायरेक्ट है. ठीक है, मैं टैक्सेशन और जीएसटी वगैरह जो क्लाइंट्स का देखता हूँ वो भी क्या है? डायरेक्ट है. तो मैं सर्विस सेक्टर में हूँ तो मेरी जितनी भी सर्विस मैं दे रहा हूँ उससे जो इनकम आ रही है वो डायरेक्ट है. ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल्स की, इसकी बहुत फ्यू एग्जाम्पल्स ही है. कोई भी बिजनेस हो उसकी यही एग्जाम्पल होते हैं, सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज. ओके, गुड्स को बेचना या फिर सर्विसेज को बेचना, दैट विल बी अ डायरेक्ट इनकम. और इसके अलावा एक और सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है, दैट इज ट्रेडिंग कमीशन. कई लोगों का काम क्या होता है? दो ट्रेडर्स को आपस में मिलवाना और आपस में बीच में कमीशन लेना. ठीक है, ये बेसिकली कंसल्टेंसी होते हैं. ठीक है, या ब्रोकर्स कह सकते हैं. तो ब्रोकर्स का काम क्या है? वो है तो सर्विसेज का पार्टी, लेकिन हम उसको ट्रेडिंग कमीशन बोल सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंजल ब्रोकिंग आपने सुना होगा, एंजल ब्रोकिंग एक कंपनी है. एंजल ब्रोकिंग कंपनी है, वो क्या करती है, जैसे मार्केट में शेयर बिक रहे हैं और खरीदार है, दोनों को मिलाती है और बीच में उसका कमीशन बन जाता है. तो उनकी क्या ट्रेडिंग कमीशन हो गई. क्लियर है, इसको नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं. अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या होता है. पर्पस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस होता है ये देखना कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है या फिर ग्रॉस लॉस कितना है. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए. ठीक है, क्योंकि आज की डेट में हमें चीजें टर्म्स पता है लेकिन उनका मीनिंग नहीं पता, फॉर्मूलाज पता है लेकिन मतलब नहीं पता वो फॉर्मूलाज किस काम आने वाले. देखो जीपी का मतलब है, ग्रॉस लॉस का मतलब क्या है, ये आपको क्लास जब से आपको एसपीसीपी याद है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चंस कराए जाते थे, तब से बताया जा रहा है लेकिन आज तक क्लियर नहीं है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन, मार्जिन ऑन प्रॉफिट, मार्जिन ऑन ऑन सेल ऑफ गुड्स. ठीक है, दिस इज प्रॉफिट मार्जिन ऑन ऑन सेल ऑफ गुड्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए. इस प्रोडक्ट ए को मैं खरीद के लेकर आता हूं, परचेज करता हूं 10,000 रुपए का. जब मैं इसको खरीद के लेके आता हूं तो मैं कुछ खर्चे करता हूं इसको लाने के लिए, जैसे कैरेज मैं गया आया. ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऑल्टरेशन चाहिए होती है तो उसके लिए मैं वेजेस पे करता हूँ, या फिर इसको मैं उतरवाता हूँ रिक्शे से उसके लिए मुझे वेजेस पे करनी होती है, तो लेट से 3,000 और खर्च कर दूं. ठीक है, ये टोटल कॉस्ट मुझे कितने की बढ़ गई? 15,000. दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, राइट, प्रोडक्ट ए. अब मैं रेंट पे करता हूं अपनी दुकान का 10,000 रुपए, तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए 25,000 हो जाएगी? हाँ या ना, बस इतना बता दो. क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी इससे या नहीं बढ़ेगी? आंसर इज नो. ये प्रोडक्ट का खर्चा नहीं है, ठीक है, ये मेरा एस्टैब्लिशमेंट का खर्चा है, ठीक है, मेरी शॉप का खर्चा है, तो वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का बात नहीं है. तो ये कौन सा खर्चा हो गया? ये इनडायरेक्ट हो गया. क्या हो गया? इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट हो गया. फिर मैं एडवर्टाइजमेंट कराता हूँ, एडवर्टाइजमेंट कराता हूँ, 5,000 उसमें पे करता हूँ, तो बताओ मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 5,000 से और बढ़ जाएगी? नो. एडवर्टाइजमेंट कराना भी प्रोडक्ट का खर्चा नहीं है, प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा है.
बेचने के लिए मैं कितना भी खर्चा कर दूं तो क्या प्रोडक्ट 15 से 20 हजार का हो जाएगा? नहीं, ठीक है। इसके अलावा मैंने ऑफिस में एम्प्लॉयज रखे, एम्प्लॉयज को मैं 50,000 सैलरी पे करता हूँ, तो क्या ये प्रोडक्ट 50,000 से और बढ़ जाएगा? आंसर इज नो। ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बन रहे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया ना तो यू आर गोइंग टू रॉक। ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारा मर्ज चल रहा है अभी। हाँ जी, तो एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं लेकिन ये गुड्स के ऊपर तो खर्चा नहीं हो रहा ना, गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो बस ट्रेडिंग का उनका मकसद क्या होता है? गुड्स की कॉस्ट देना। ऐसा कोई खर्चा जो गुड्स के ऊपर इनकर नहीं हो रहा हम उसको नहीं देखेंगे, तो हम इसको हटा देते हैं, हमारा कंसर्न नहीं है अभी, हम ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी खर्चे जो गुड्स के ऊपर स्पेंड हो रहे हैं, इनकर हो रहे हैं, हम उन्हीं को इंक्लूड करते हैं गुड्स की कॉस्ट के अंदर। ठीक है, चले आगे, और वही कहलाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। ओके, अब देखो मैंने इस प्रोडक्ट को बेच दिया, सेल कर दिया 20,000 में। ठीक है, तो कितने का माल कितने में बेचा? 15,000 का था और 20,000 में बेचा। प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट हो, इसको हम बोलते हैं जीपी। जीपी मींस सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसको हिंदी में आप समझेंगे, सेल्स जो मैंने बेचा लेस क्या करा, जितने का जो मैंने माल बेचा है वो कितने का मुझे पड़ा। ठीक है, तो ये किस बारे में बात कर रहा है जीपी? किस बारे में बात कर रहा है जीपी? कह रहा है जो चीज आप बेच रहे हो उस चीज की कॉस्ट बताओ, जो चीज आप बेच रहे हो उस चीज की कॉस्ट बताओ। अगर आप कॉस्ट से ज्यादा का बेच रहे हो प्रॉफिट, और कॉस्ट से कम का बेच रहे हो तो लॉस। क्लियर है? और जो चीज आप नहीं बेच रहे क्या उसका कोई यहां कोई कंसर्न है? नहीं है। तो जीपी क्या कहता है? ठीक है, ये नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। सर एग्जांपल देखिए, अब देखिए जीपी कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स मतलब हमने कितने की सेल करी, कितने का माल बेचा, कितने की सर्विसेज सेल आउट हुई, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है ये देखिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका है, सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। प्लीज लिखने से पहले आप ये देख लो, ओपनिंग स्टॉक कितना था, इसमें ऐड करते हैं, फिर हमने कितने का माल और खरीदा। लेट से हमारे पास 20,000 का माल पड़ा हुआ था ओपनिंग में, 2,00,000 का माल हम और खरीद रहे हैं, तो हमारे पास टोटल गुड्स कितने के हो गए? 2,20,000। अब हमने कुछ ऐसे खर्चे करे जो गुड्स को सेलेबल बनाने के लिए जरूरी थे, गुड्स के ऊपर कुछ खर्चा करा, लेट से 30,000, कितना? तो गुड्स कितने के हो गए? 2,50,000 के। 20,000 का माल था, 2,00,000 खर्च करे, 2,00,000 का माल और लिया, 20,000 गुड्स पर ही खर्च करा, तो गुड्स की कॉस्ट बढ़ गई, गुड्स की कॉस्ट पर ऐड हो गया 2,50,000। तो मेरे पास टोटल 2,50,000 का माल था, क्या सारा माल बिक जाएगा या कुछ बच भी सकता है? कुछ बच भी सकता है ना, तो जो माल बच गया उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, लेस कर देते हैं। लेट से 1,00,000 रुपए का माल अभी बचा हुआ है हमारे पास, तो बाकी कितने का माल बिक गया? 1,50,000। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो हमने हमेशा यही देखना होता है कि हमने जो माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या है। तो हमारे पास 2,50,000 का माल था, 1,00,000 का बचा हुआ है, इसका मतलब गुड्स की कॉस्ट जो बिका है माल वो कितने का था? 1,50,000 का। अब 1,50,000 का माल अगर आप सेल कर रहे हो ज्यादा में, सोल्ड फॉर 1,60,000, तो आपको 10,000 का क्या आ गया? प्रॉफिट, जीपी आ गया। और अगर आप उसको बेच रहे हो 1,40,000 में, तो 10,000 का क्या आ जाएगा? ग्रॉस लॉस। क्या आ जाएगा? ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो अब ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस ही इतना होता है कि ये निकालना जीपी है या जीएल। ठीक है, अब अगर मैं इसी इक्वेशन को अकाउंट फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए सामने प्लीज, डू नॉट राइट एनीथिंग। देखिए सबसे पहली चीज, ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप बनाते हैं सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को डेबिट पे लिखते हैं, ठीक है, ये तो पता है ना ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एसेट होता है ना, तो वो कहां पर आएगा? डेबिट पे। और उसकी क्लोजिंग वैल्यू कहां आएगी? क्रेडिट पे। अब आप कहोगे एसेट क्यों लिख रहे हैं, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बना रही है, एसेट नहीं है, ये एक्सपेंस का ही पार्ट बनेगा, ये हमें हेल्प करेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसको शो करते हैं। देखिए कैसे, ये ओपनिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इक्वेशन पे ध्यान दो,
ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हो गया, यहाँ पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हो गया, आ गया डेबिट और डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या लिखवाया था मैंने, डायरेक्ट एक्सपेंसिस को डेबिट करा जाए। डायरेक्ट एक्सपेंसिस में पहला एक्सपेंस कौन सा हुआ, परचेज, ठीक है। आपने कितने गुड्स खरीदे, लेस, अच्छा ये परचेज क्या होती है, रिटर्न्स लेस करके, अगर कोई माल आप वापस कर चुके हो तो वो लेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर और कोई भी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसिस आपको देना है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसिस वो यहाँ पर आ गए, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में जो मैंने छोटी छोटी सी लिस्ट बनाई थी वो आप सारे लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, वेजेस आ जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसिस आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड आ जाएगा, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड लिखना, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आ जाएगा, और क्लियरिंग चार्जेस आ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे खर्चे आ गए, इक्वेशन देखो क्या बन गई, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। इस अकाउंट ने किस इक्वेशन को इफेक्ट दिया, यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली, ठीक है। अब जीपी कैसे निकलेगा, यहाँ सेल्स आ जाएगी, क्रेडिट और डायरेक्ट इनकम्स, और डायरेक्ट इनकम क्या होती है, सेल, ठीक है। अगर कोई रिटर्न है तो लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब देख लो, इफ क्रेडिट साइड इज मोर, इसका मतलब सेल ज्यादा है, और सेल ज्यादा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इफ डेबिट साइड इज मोर तो हमारे पास कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो ये हमें अकाउंट क्या बताता है कि हम ओवरऑल प्रॉफिट नहीं देख रहे, ओवरऑल बिजनेस को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ये नहीं देख रहे, हमें देख रहे हैं मार्जिन अर्न्ड ऑन गुड्स और लॉस इनकर्ड ऑन गुड्स, ठीक है। हमारे गुड्स से हमें प्रॉफिट हो रहा है या सर्विसेज से हमें प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब हम ओवरऑल देखते हैं तो उसमें आपकी अदर इनकम्स भी आ जाती है। फर्स्ट टारगेट है कि हमारे ट्रेडिंग पे, जिस चीज का हम ट्रेड कर रहे हैं उस आइटम पे हमें, वो आइटम हमें प्रॉफिट दे रही है और लॉस दे रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन काम ही वही है, ठीक है। इस नोट करो फिर आगे चलते हैं।